मेरी जान, क्या हाल है? तुम्हें देखकर सही हो जाता हूँ मैं। मेरी जान, आओ प्यार करो मुझे थोड़ा। तुम्हारी पूरी टीम रेडी है, तुम्हारा वेट कर रही है। वो रेडी है? सीरियस? यानी तुमने सपोर्ट किया है? नहीं यार, लेकिन ऐसे कोरे सर से बात नहीं करनी चाहिए थी। उमर यार, सारा स्टाफ आ रहा है, उनके चेहरों पर स्माइल है, देखते हैं क्या होता है। आने तो देखते हैं। उमर सर, सिनान सर, रेडी हैं हम। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सिनान सर कि आपको पसंद आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया और अभी मैं काफी एक्साइटेड हूँ समझने के लिए। मैंने भी कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया है, आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें। और कोरे कहाँ है? अरे तुम लोग मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे ना, क्योंकि मैं सबसे सही बात करता हूँ। अरे तुम रेडी हो ना? उमर, सिनान, शुरू से शुरू करता हूँ। हम अपने काम में लौट रहे हैं। अरे तुमने कहा था लड़की का नाम तो कुछ और नहीं रख दिया तुमने? हाँ, अरे जुबैर, 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 ले आओ, ले आओ, अरे जल्दी से ले आओ अंदर। अब ये बोट क्यों लेकर आ रहा है भाई? अरे बस करो सिंड्रेला। अरे मेरी जान, मैंने पैशन के लिए एक नया आइडिया निकाला है। ये एक पैकेज होगा बहुत ही शानदार किस्म का, लड़कियां इसको अपने ख्वाबों में देखेंगी। मैं इसका ऐसा फोटो शूट करूंगा। अरे तुम्हें तो पता है इस ऑफिस का सबसे क्रिएटिव इंसान मैं ही तो हूँ। मैं सबको बताता हूँ कि क्या करना है। सिंड्रेला का फोटो शूट करूंगा मैं। सब लोग देखते के देखते रह जाएंगे कोरे सार्गिन ने क्या कर दिया। सिंड्रेला की उम्मीद वाकई में। प्रिंस उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन वो अलग नहीं होना चाहती। आंखों से आंखें मिलती हैं, फिर वो उसका हल्के से हाथ छोड़ देता है। जाहिर है उसको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उसकी उम्मीद खत्म नहीं हुई। कोई ना कोई उम्मीद जाग जाती है, इसे मौजा कहते हैं। वो मौजे की तरह आया। वो अपनी प्रिंसेस को ढूंढ रहा था। जितने अच्छे शूज होंगे उसके प्राइस भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। सिंड्रेला अपने इरादों से कभी भी हार नहीं मानने वाली, यानी वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती। चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाएं, इश्क एक दूसरे को ढूंढ ही लेता है। अच्छा है, मेरे ख्याल से अच्छा है। क्यों उमर? डेफनी होनी चाहिए। समझी नहीं मैं। प्रिंसेस डेफनी होनी चाहिए। अरे लेकिन इस बात का क्या ताल्लुक है मेरी जान? हाय बहुत मजा आएगा, मैं भी यही सोचने वाला था। हाय तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी मिन्नतें की जाए? लड़की सीधी तरह तैयार हो जाओ। नहीं भाई, नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती। मतलब कि मैं डेफनी, मैं चाहता हूँ कि तुम हो, क्योंकि मेरी प्रिंसेस तुम ही हो। डेफनी क्या बोलती हो तुम? अरे मेरा दिल तो मत तोड़ो। हाँ ठीक है ठीक है, मैं कर लूंगी, लेकिन मतलब कि बन जाऊंगी यार प्रिंसेस, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। अरे बहुत मजा आने वाला है, मैं प्रिंसेस बनाऊंगा तुम्हें। अरे कॉन्सेप्ट कमाल हो जाएगा, कमाल। अरे चलो मेरी जान, चल के काम करते हैं। हाय कितना अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, कोई तो सुन ले। हाय लाइटिंग कितनी बुरी हुई है। हाय मैं सिखाता हूँ, इस तरह से रखो ना। हाय इसका ड्रेस तो देखो, हाय कोई अच्छा ड्रेस पहना आती कम से कम। ऊपर करो, थोड़ा और ऊपर करो। ठीक है पगली, शूज दिखाओ। हाँ
हाय जबरदस्त, बहुत अच्छा है। हाय अच्छा तो है, अरे मेरी जान थोड़ा स्माइल तो करो, स्माइल। हाय हाय हाय, कैसी पागल लड़की है, खूबसूरती तो भरी पड़ी है, दिमाग नहीं है। कोई अच्छा ड्रेस पहनाती तो कम से कम अच्छी शूट आती मेरी। हाय गरीब लोग, हाय सीधी तो खड़ी हो जा, कैसी खड़ी है। हाँ इसको लिख लो यहाँ पे। हाय अल्लाह जुबैर जुबैर, हाय किस किस्म की हरकतें हो रही हैं जुबैर। हाँ हाँ कोरे सर आ गया, जल्दी आ गया। आओ मेरा कॉकटेल लेकर आओ। ये लीजिए कोरे सर, ये ले। लाओ मुझे दो। बात सुनो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, एनर्जी पैदा करो मेरी जान। माफ कर दीजिए मुझे। जाओ माफ किया, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, तुम रोगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं रोइएगा मत कोरे सर। रोइएगा नहीं सर, चलो निकलो यहाँ से अपना बेकार सा मुंह लेके, चलो पकड़ो इसे। ओके दफा हो, हम रेडी हैं, आ रही है वो। ओह आ गई, इंतजार खत्म हुआ, आ रही है मेरी जान, मेरी प्यारी जान। Coşup seven gönlümse durmasın, dost bildik anılarım çağırmasın, bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı. Hay ye to pari lag rahi hai, dekho Umar jaan meri pari kitni pyari lag rahi hai, hai na, koi hoga isse zyada khoobsurat. अरे लड़को लड़को बस करो, बस कर दो। चलो मेरी जान तुम थोड़ा सा आराम से नीचे आना, मैं तुम्हारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लूंगा, ठीक है। अरे जुबैर कहाँ रह गया, जुबैर। मेरी जान तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ ठीक हूँ। कुछ उल्टा सीधा खा लिया है क्या? हाँ शायद पेट खराब हो गया है मेरा। मतलब तुम्हें सर्दी लग रही है? नहीं नहीं मुझे नहीं लगता। शुक्र भी नहीं है, रुको मैं कुछ देखता हूँ, मैं भी। ठीक है।
बात सुनो, बताया या नहीं तुमने? नहीं। अयो। अरे नरमी मैडम, अब आप शुरू नहीं हो जाएगा। लेकिन आप इतना क्यों सजीदा जी हैं? अरे मेरी जान, कोरिश मेरा भी शूट करेगा, यानी प्रोफेशनली नहीं, बस ऐसे ही सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह के लिए। हाँ। कितनी अच्छी बात है, लेकिन ये आपके हाथ में? हाँ, अरे ये तो तुम्हारे लिए है, इंजीर, बादाम, अखरोट, तुम्हारे लिए, खाओ इसको, बहुत ताकत मिलती है इससे। अरे नहीं नहीं यार, वो मेरा पेट ना थोड़ा सा खराब है। हाय, पेट खराब है तुम्हारा? कितनी अच्छी खबर सुना दी तुमने मुझे। हाय मेरी जान, क्या खुशखबरी दी है तुमने मुझे, मेरी स्वीट हार्ट डार्लिंग जान। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए मिल्क शेक लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, उमर गया है, वो लेकर आएगा। हाँ, लेकिन वो तुम्हारे लिए सोडा लेके आ जाएगा। लेकिन अब तुम्हें सोडा नहीं, मिल्क शेक पीना होगा, ताकत के लिए, जरूरी है तुम्हारे लिए, बहुत फायदेमंद है। और देखो यहाँ पे कितना रोमांटिक माहौल हो गया है, तुम्हारे बताने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, और माहौल भी, अब तो तुम जाकर बता ही दो उसे। माहौल? हाँ, बाकी बातें सब मुझ पर छोड़ दो। देखो मेरी जान, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, सही है। हाय, जब तुम मेरा कहना मानती हो तो मुझे तुम पे बहुत प्यार आता है। देखो ना, पहले मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने तो मेरी सोच को ही बदल दिया। आओ मेरे गले लग जाओ, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, माय स्वीट हार्ट। चलो मैं रेडी होके आती हूँ। ठीक है, मैं बता देती हूँ उसे अभी। डेफनी, देखो मैं अंदर डाइनिंग हॉल में वेट कर रही हूँ, उमर भी यहाँ पे आ जाएगा, तुम जल्दी से आ जाओ, ये बहुत ही जबरदस्त मौका है। हाय, जैसा मैंने सब कुछ सोचा था बिल्कुल वही हो रहा है, अब तो मैं अपने ऊपर खुद ही एक किताब लिख सकती हूँ। हाय नेहरू, हाय मेरा पसंदीदा खाना, बड़ा मजा आएगा। अरे कोरिश, तुम्हारे लिए नहीं है, इसे मत खाओ। अरे ये उमर के लिए बनाया है ना। अरे वाह, क्या इंतजाम किया है खाने का, मजा आ गया। आजो आजो सारे आजो। सिनान, ये बहुत टेस्टी लग रहा है, क्या मैं खा लूं? अरे नहीं, खाओ नहीं। सरे मैडम, आप जरा रुक जाएं, मैं थोड़ा सा ये खा लूं फिर चले जाऊंगा। खाओ खाओ। स्नैक्स ही स्नैक्स होंगे आज तो। फैशन बेस्ट कंपनी है, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है सिनान सर, खाने भी बहुत जबरदस्त होते हैं, वाकई में बहुत मजेदार है। अरे क्या तुम्हारा टी ब्रेक चल रहा है यहाँ पे, या हाई टी हो रही है? चलो जाओ यहाँ से, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। हाय नेहरू, इतनी कंजूस मत बनो, छोड़ो इन सबको, तुम ये खाकर देखो कितना अच्छा बना है, खाओ। हाय, मेरा तो दिमाग घूमने लग गया। अरे मैं क्या करूँ, डेफनी की सेलिब्रेशन की तो सारी तैयारियाँ धरी की धरी रह गई, क्या सोचा था क्या हो गया? डेफनी का सेलिब्रेशन? कैसा सेलिब्रेशन? मैं समझ गया, ये एक सरप्राइज था, आप हमें सरप्राइज देना चाहती थी, वो हमें मिल गया। ये खासियत हमेशा अच्छे लोगों में होती है, पता है? नहीं मेरी जान, क्या वाकई में ऐसा है? वाकई में? ओ डेफनी, हजारों साल जियो तुम इसी तरह से, आओ बहुत मुबारक हो। वैसे एक बात बोलूं, हमने लास्ट ईयर तो इस तरह सेलिब्रेट नहीं किया था, या तो मैं शायद डेट भूल गई हूँ डेफनी की बर्थडे की। चुड़ैल लड़की, चुप हो जाओ, तुम जल रही हो इस बात से, डेफनी का बर्थडे है ना, तुम्हारा नहीं। अरे हाँ हाँ, इधर आओ। एक काम करो, तुम ये खाओ, बहुत मजे का है। ठीक है, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं आज। तो कैसी सेलिब्रेशन है? वाकई में? तो फिर हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? तुम्हारा अगर बर्थडे नहीं है तो फिर किसका है? कोई तो मतलब होगा इस सेलिब्रेशन का। अरे यार, कोई तो बात होगी ना, इसी वजह से तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। सर, मैं हमने तो गाना भी गाया, इसको विश भी किया, ऐसा क्यों कर रहे थे हम लोग? किसी को कुछ पता है? अरे यार, तुम लोगों को बताना चाहिए था ना पहले। डेफनी प्रेग्नेंट है। वाह वाह, सुपर। तो फिर तुम ये बिल्कुल भी नहीं पी सकती, ऐसा करो मुझे ये वापस दे दो। उमर! नहीं! नहीं!
मुझे समझ नहीं आया, क्या मतलब? डार्लिंग, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाय, इतनी अच्छी खबर दी उमर जान, क्या तुम अभी भी खुश नहीं हो? उमर तुम कुछ तो बोलो ना। अरे उमर, हैरान होने की तो बात है ही। यानी मैं मुबारकबाद दूं फिर किस करूं? सिनान मेरे भाई, ये सब कुछ एकदम से हो गया, बहुत मुबारक हो तुम्हें। हाँ शुक्रिया, शुक्रिया मेरे भाई, बहुत खुशी हुई। सीधा मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बस नरमी मैडम ने ये फैला दी न्यूज, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, बहुत एक्साइटेड है। अरे सैदा मेरी जान, तुम्हें बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। हाय, दूसरा बच्चा आ रहा है तुम्हारा, तो लड़का हो गया या लड़की? मैं उसका नाम कोरे सैरगन रखूंगा, हम लोगों में पहले ये बात डिसाइड हो चुकी है। हाय उमर जान, तुम भी बाप बनोगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द बनोगे, ये मेरा यकीन है। अब कोई तुम्हें नहीं बताना चाहता तो मत बताए, लेकिन अगर डेफनी भी प्रेग्नेंट हो जाए तो कितना मजा आ जाए। बस करते थे करिश, बस चुप हो जा। अरे मेरी जान, में चलते चलते फिसल गया। हाय सिनान जान, तुम्हें बहुत मुबारक। मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत ज्यादा शुक्रिया तुम्हारा। अरे मेरी जान, कसम से मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं इतना ज़हीन हूँ उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है ये? मुझे कोई बताएगा क्या हो रहा है? अरे बकवास नहीं करो यार। ठीक है, ये अच्छी खबर है सच में, इसे अलग से सेलिब्रेट करना होगा, लेकिन अभी हमें शूट करना है। सॉरी मेरे भाई, इससे पहले कि डेफने थक जाए हमें शूट कर लेनी चाहिए। अरे हाँ मेरी जान, उसकी तबीयत तो खराब होनी ही है। अरे भाई क्यों नहीं होगी तबीयत खराब, ऐसी हालत में तो तबीयत खराब हो ही जाती है। अरे तुम इससे इस टाइम पे शूट मत कराओ ना, किसी और मॉडल को ले लो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। अरे मैं तुम्हारे लिए अच्छा कह रहा हूँ, क्यों मिला रो, है ना? मैं अच्छा कहता हूँ ना, कितना अच्छा कहता हूँ, मैं सबकी भलाई के लिए कहता हूँ, कोई समझता नहीं मेरी बात। तुम समझे नहीं? हाँ समझा नहीं मैं, हाय नफरत है मुझे इस चीज से, मुझे बहुत देर में समझ आता है। अल्लाह खैर करेगा, चलो चल के शूट करते हैं जो बाकी रह गई है। आ जाओ, मेरी शूट नहीं करनी, चलो। दारिया अब दूसरे शूज भी ले आओ, सबको एक एक करके ट्राई करने दो, थके बगैर काम करते हैं, ठीक है? जाओ देखो सब पीछे रखे हैं। आपको तो बुखार है यार। नहीं कुछ नहीं है सर, ठीक हूँ। तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हैं। वो गोल्फ पहली बार खेल रही हो ना, तो शायद पैनिक हो गई हो। हाँ। बस इस वजह से हो रहा है। तुम रेडी हो? आई थिंक तुम रेडी हो। Bu yıldızlı gökler ne zaman?
başladın demeye. Kimse bilmez, kimse bilmez. मेरी जान, अभी तुम्हें घर ले जाकर अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा वरना तुम थक जाओगी, बीमार हो जाओगी। ऐसा करना जरूरी है क्या? हाँ, तुम्हारे लिए एक सूप बनाऊंगा अच्छा वाला, पी लेना, उससे तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी, नींद भी अच्छी आएगी। यार वो अच्छा वाला सूप बनाना, बहुत अच्छा बनाते हो तुम। जब मैंने पहली बार बनाया तब तुमने कहा था कि वो तुम्हें इतना पसंद नहीं आया। मैंने? नहीं भाई, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने कहा होगा पसंद नहीं आया, इसका मतलब था कि पसंद आया है बहुत। दरअसल टेस्ट चेंज होता रहता है ना, और बहुत अच्छा बनाते हो तुम। जब भी तुम कुछ बनाते हो तो बहुत इंजॉय करके खाती हूँ मैं। खिला खिला कर तुम मुसीबत में ना डाल देना मुझे। अब मुसीबत सर पे ले ही ली है तो प्यार करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। वादा करो फिर मुझसे, कुछ भी हो जाए मोहब्बत करोगे। तुम्हें कोई शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिल गया मुझे। क्या मिल गया? कैसे बनाना है वो पता चल गया। क्या कैसे बनाना है, क्या बोल रही हो डेफने? मेरी जान, तुम अभी मुझे घर लेकर चलो, दरअसल नानी भी परेशान हो रही होंगी ना। जब तुम आओगे तो फिर देखना। क्या देखूंगा यार, अभी नहीं बता सकती ना मैं, सब्र करना पड़ेगा। क्या मतलब, क्या नहीं बताना तुम्हें, बताओ तो मुझे जरा। एक्साइटेड हो रहे हो? मतलब तुम एक्साइटेड हो रहे हो? देखो तो जरा, उमर रिप्लिक जी एक्साइटेड हो रहा है भाई। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। एक्साइटेड नहीं हूँ। हो, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हो, लेकिन मेरे लिए बड़ा सरप्राइज है ये। चलो चलते हैं। चलो। जब भी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता हूँ, तुम्हें नींद से जगा देता हूँ। याद करो उस भीगी भीगी सुबह को, कितनी अच्छी लगती थी ना, मगर अभी सूरज नहीं निकला। अभी एक फासला तय करना है, फिर कहीं जाके सुबह होगी। ये सुबह हर सुबह की तरह नहीं होगी, और इस नई सुबह तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी, और ऐसी सुबह जो तुमने कभी सोची नहीं होगी। वो तुम्हें ऐसे गिरफ्त में ले लेगी कि तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। बहुत मुशक्कतें झेली हैं तुमने इस नई सुबह के लिए, दौलत को ठुकरा दिया, हर शय को ठुकरा दिया। तुम अपनी राह पे चली जो तुम्हें ठीक लगा, और तुमने किसी की नहीं सुनी। मेरे लिए भी ये बड़े फक्र की बात है, मुझे तुम लोगों पे बहुत फक्र है और हमेशा रहेगा भी। इतनी परेशानियों और मुसीबतों के बाद भी तुम लोगों के प्यार में कुछ कमी ना आई। तुम जैसे भी रहे खुश रहे, लेकिन एक सुबह मैं फिर आऊंगा तुम्हारे दरवाजे पर एक दस्तक देने के लिए। चाहे तुम नींद से बेदार हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो अपना फर्ज निभाकर चला जाऊंगा। वो सुबह होगी जो तुम्हारी सारी जिंदगी बदल देगी। शायद मेरी बातें तुम्हें उस वक्त जाकर याद आए कि तुम्हारे बड़े तुमसे क्या कह गए। देख रहे हो? देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। बीज खाए जा रहे हैं भाई। वाह वाह वाह, मेरी डेफनी वापस आ गई मोहल्ले में। रुको रुको, इधर आओ इधर आओ, इधर आराम से बैठो। मैं आपके लिए चेयर लेकर आता हूँ मैडम, इधर बैठिए। भाई की शहजादी, बैठो बैठो। सरदार, ये आज इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है? सब खैरियत तो है? यार मुझे क्या पता, बस हमने सुलह कर ली, अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या बोलना है बस। अरे मेरी जान भाई, अरे हाँ, मैं गुड न्यूज के साथ आई हूँ। हाँ, गुड न्यूज पता है, शादी हो रही है ना? वो नहीं, क्या हुआ? मुझे गुड न्यूज समझ में नहीं आई। डेफनी, क्या सच में? कसम खाओ, कसम खाओ ना। हाँ? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा, इधर आओ। अरे हुआ क्या है निहान मेरी जान? वाह भाई, ये दिन भी देखने नसीब हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। इस्माइल। हाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बताओगे?
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हम यहाँ बेवकूफ। अरे तुम बेवकूफ नहीं हो, मुझे भी नहीं समझ आया। मैं बताऊँ क्या? हाँ नहीं नहीं मैं बोलती हूँ ना, तुमने भी तो अपना वाला खुद बताया था। उफ, यार इतनी कंफ्यूजन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा रिलैक्स करो, मुझे भी समझ नहीं आया। प्रेग्नेंट हूँ मैं। क्या मतलब? ओह वाओ, प्रेग्नेंट यार, मतलब बेबी आ रहा है। यार यार मेरी बहन इधर आओ, मुझसे गले लगो, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। यार मैं मामू बनने वाला हूँ, मामू बनूंगा मैं। डेफनी क्या तुम सच में माँ बनने वाली हो? हाँ मम्मी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे तुम इधर खड़ी क्यों हो? इधर आओ बैठो, इधर बैठो बैठो। हाँ आराम से बैठो, बैठो आराम से, आराम से, ध्यान से, ध्यान से, अपना पाँव नीचे मत रखो, इसके ऊपर रखो। डेफनी कुछ चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ क्या हो रहा है भाई। जब भी चेयर पे बैठो अपनी टांगे सीधी करके बैठना, ठीक है? बाकी मैं बता दूंगी तुम्हें। रखो रखो रखो, तकिया रखो मेरे लिए। भाई जरा अच्छा, प्रेग्नेंट हूं ना मैं, एहतियात करनी पड़ती है, समझ रहे हो ना तुम? देखो तुम लोगों को ना सबको मेरा ख्याल रखना है, सुबह उठते के साथ ही ना बस डेफनी की फिक्र करनी है, ये बता दूं मैं पहले ही तुम सब लोगों को। भाई जरा बेबी भी तो होने वाला है। तुम्हारा बेबी अपने मामू पर ही जाएगा देखना। एक बात बोलूं, तुम वाकई बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारे बच्चे को प्यार करने वाले इतने सारे लोग जो हैं। देखो कितनी खुशकिस्मत। वाह भाई डेफनी का बेबी है, यकीन ही नहीं आ रहा। इस्माइल? हाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है यार, मतलब अभी पिछले साल ही। अरे बस कर दो ना यार, पिछले साल की अब बातें छोड़ दो तुम, वक्त गुजर गया है और यहाँ लेकर आ गया है वक्त हमें। यार मेरा भाई, हाय इतना सा था, नहीं नहीं इतना सा, हाँ इतना सा था। हाय अब देखो दाढ़ी भी निकल गई, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया पता ही नहीं चला। क्या हो रहा है कोरे? मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आया। हाय क्या बोल रहे हो सिनान, क्या हो रहा है? कुछ नहीं मेरे दोस्त, बस हमने सोचा कि तुमसे मिलने आ जाए, उसके बाद हमें शुक्रू भाई मिल गए और हम यहाँ आ गए। तुम बाप बनने वाले हो, जाओ अपनी बीवी के पास। हाँ उमर, हाँ ए, ए, देखो तो जरा। सुनो मेरे भाई माइंड मत करना, लेकिन देखो वो आ रहा है, कल इतने काम है और यहाँ दिन मना रहा है। खैर मैं कॉफी बना के लाता हूँ, किसी की खत्म हुई क्या? नहीं तुम पियो, मेरी तो बाकी है अभी, तुम जाओ तुम पियो जाके। हाँ मेरी जान तुम जाकर पियो, तुम्हें बहुत जरूरत है, तुम्हें इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, जाओ जाकर पियो। हाय तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ही बता देता हूँ, बहुत आसान है। नहीं हम मुबारकबाद भी नहीं देंगे, समझे? हम नहीं बताने वाले, सिर्फ ये बात डेफनी बताएगी। हाय वो कैसी लड़की है, अभी तक नहीं बताया। आराम से बोलो, वो सुन लेगा। हाय मैं कैसे ये बात अपने पेट में रखूं, मुझसे तो हजम ही नहीं हो रही ये बात। कोरे चुप रहोगे थोड़ा? चुप हो जाओ, डांटो नहीं। कोरे सर ये बुरी बात है, बुरी बात है। हाय तुम कौन होते हो मेरी बातों में टांग अड़ाने वाले? आए जाओ अपने बालों पे कलर तो करा कर आ जाओ पहले। अरे कितना बुरा लग रहा है, अजीब सा आदमी। अरे आप मेरे सफेद बालों पे कहाँ से आ गए? ओहो छोड़ो ये बातें, उमर के बारे में छोड़ो, अपने बारे में बातें करते हैं। अरे बस कर दो, बता देते हैं उस बेचारे को, बता दो। कोरे तुम्हारा दिमाग खराब है, चुप, वो आ रहा है। अरे मेरी जान क्या हाल है तुम्हारे? उफ कोरे क्या, हाँ हाँ मैं क्या बताऊँ, क्या बताऊँ तुम्हें। चलो बच्चो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग, अगर मेरे मुंह से निकल गया तो तुम लोग मुझे बर्बाद कर दोगे। अब मैं चलता हूँ सर। मैं भी चलता हूँ। उमर जान मेरे प्यारे बच्चे, मेरे जिगर का टुकड़ा, इधर आ जा, मेरे गले से लग जा मेरी जान। मैं चलता हूँ। अच्छा मेरे भाई, मेरी दुआ है कि तुम बहुत ज्यादा खुश रहो। अरे इसका चेहरा तो देखो। उमर साहब अच्छा हुआ आप हैं। मेरी डेफनी भी नहीं है यहाँ, मैं इन तीन बेवकूफों के साथ। यार डेफनी कैसे नहीं पता उसको, तुम बताओगी नहीं क्या उसको?
उससे पहले तुम हमें बता रही हो, ये क्या बात हुई यार? उसको पता होना चाहिए यार। यार एक मिनट को, उमर का बेबी हो रहा है और उसको खबर ही नहीं है, क्या करोगी तुम? क्या बेबी पैदा करके गिफ्ट दोगी उसको? अरे यार क्या तुम भूल गए हो क्या कि हमारी डेफनी कितनी बड़ी बेवकूफ है? नहीं यार, मैंने ना एक प्लान बनाया है, मतलब मैं चाहती हूँ कि कुछ स्पेशल हो, मतलब यार के वो याद रखे कि मैंने उसे कैसे खबर दी थी। ओहो, प्रोडक्शन हो रही है यानी के, कितनी रोमांटिक चीज है ना। ठीक है तुम मत बताना। एक मिनट, अब बताओ। या अल्लाह कितने एक्साइटेड हम लोग है ना, क्या तुम लोग एक्साइटेड नहीं हो? हाँ। या फिर कोई और मसला है? मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम? हाँ, तुम्हें? हाँ। नहीं मैं नहीं बता रही। तुम मत बताना, इन्हें रहने दो। हाँ इन्हें रहने दो। यहाँ मुझ में इतनी सी भी चीज नहीं हुई, अब बताओ तुम क्या सोच रही हो? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, बताओ डेफनी। मत बताओ डेफनी, इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं। यार कुर्बान जाऊं, क्या बात है। हाँ मेरे ख्याल में भी। क्या बात है। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि बताती। हाँ अभी पता है मेरा इरादा क्या है? मैं ना उमर को बताती हूँ कि सोती रह गई। नानी आपने भी नहीं उठाया, मुझे जाना था ना यार। बेटा मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। हाँ नानी लेकिन रुके, बाद में बात करते हैं यार, अभी मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुशामदीद शुक्रु भाई, कैसे हैं आप? डेफनी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, इधर आओ मेरे पास। कसम से मैं बहुत खुशी हूँ, ऐसे खुशी हो रही है जैसे मेरा अपना पोता आने वाला हो। शुक्रिया शुक्रु भाई। किसी को पता है उमर साहब को अच्छा लगेगा, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी वहाँ होता। मैं भी कसम से आपको दावत देना चाहती थी लेकिन उमर को भी नहीं बताया था ना अभी। नहीं नहीं मैंने इस वजह से नहीं बोला था मेरी जान, लेकिन मेरा दिल बहुत चाहता था। आप आओगे ना, मतलब मैं ये कह रही हूं। नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा मेरी जान, मुझे अजीब लगेगा। बस तुम दोनों अच्छे से एंजॉय करना और बता देना, तुम मुझे फोन कर देना, ठीक है? हाँ चले चलते हैं फिर, ठीक है? हाँ, चलो चलो। Finally. मेरी जान, मैंने बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। चलो हम जा रहे हैं। कहाँ? घूमने के लिए। इस बार मेरे पास सरप्राइज है। सरप्राइज? अच्छा चलते हैं, देखते हैं। रुको मैं कोट ले आऊँ। ठीक है। Görünen sen bile değilsin ki kaptırdın gidiyorsun bilmeden yordamını yolunu. Hum yahan kyun aaye? Maine socha ki kuch bataun tumhe. Maslan kya? Bas abhi thodi der mein pata chal jayega. Aisa karo ki tum diggy khol ke dekho gaadi ki. Chalo kholte hain. अरे मेरी माँ ने सिखाया था मुझे पतंग बनाना और उसे उड़ाना, ऐसा हमारा रूटीन होता था, जैसे डांस करना, मॉडल बनाना और पतंग उड़ाना भी, यहाँ तक कि मोंटी बियानको का खाना वगैरह। शायद तुम भी किसी दिन ये करो अपने बच्चों के साथ, ऐसे दिन तुम्हारे साथ भी आएंगे जब हम फैमिली बन जाएंगे। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि तुम मेरी फैमिली बनोगी। मैंने सोचा कि हम क्यों ना पतंग उड़ाएं, मतलब तुम अपने बच्चों के साथ उड़ाना चाहते थे ना प्रैक्टिस के लिए, मतलब तुम्हें ये बताने वाली थी कि वक्त आ गया है तो इस वजह से तैयारी कर लो तुम।
कैसा वक्त। डेफने, मैं कुछ समझ रहा हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना? क्या तुम सीरियस हो? तुम प्रेग्नेंट हो क्या? माँ, तुम देख रही हो ना, अब मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं अब मैं। जैसा मैंने वादा किया था, तुम पुरसुकून हो जाओ।